तो दोस्तों आज का इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे सूर्यवंशी के बारे में जबरदस्त जानकारी। जो जानकारी आ चुका है दोस्तों, ये जानकारी आप लोगों का भी जानना बहुत जरूरी है। अगर दोस्तों आप सूर्यवंशी का फैंस हो, अक्षय कुमार का फैंस हो, तो इस वीडियो को ध्यान से देखो क्योंकि जबरदस्त बातें करने वाला हूं सूर्यवंशी मूवी को लेकर। तो चलिए आपको बताते हैं। तो इससे पहले अगर आप गोपाल के रिव्यू यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस करके ऑल करके रखना, तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो रोजाना आपको मिलता रहेगा। और दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों रोहित शेट्टी के डायरेक्शन में मूवी बनके पूरा तैयार है पिछले साल से सूर्यवंशी। तो और इस मूवी में दोस्तों अक्षय कुमार, कैटरीना कैफ, जैकी श्रॉफ, गुलशन ग्रोवर और भी काफी सारे टैलेंटेड कलाकार को लेके एक बिग बजट मूवी है। तो दोस्तों ये मूवी पिछले साल 24 मार्च को रिलीज करने वाला था लेकिन पेंडेमिक सिचुएशन आ चुका था, रिलीज नहीं हो पाया। उसके बाद इसी साल में रिलीज करेगा, फिर से वो कोरोना आ चुका है, पेंडेमिक सिचुएशन आ गया तो रिलीजिंग डेट को पोस्टपोन करना पड़ा। उसके बाद दोस्तों 15 अगस्त को ही रिलीज करेगा, अप्रैल पहले था इस साल का। उसके बाद दोस्तों 15 अगस्त का टाइम पे लेकिन नहीं हुआ। अब दोस्तों सुनाई दे रहा है दिवाली पे रिलीज करने वाले हैं ये मूवी, लेकिन दोस्तों अब तक कोई भी जो डेट ऑफिशियल डेट अभी तक नहीं बताए हैं कब दोस्तों मूवी रिलीज करेगा, कौन सा दिन में रिलीज करेगा। तो आप दोस्तों क्या होगा इस मूवी को लेकर दोस्तों बहुत सारे जानकारी आ रहे हैं जो इस मूवी को प्रमोशन को लेकर, लेकिन दोस्तों अभी तक महाराष्ट्र में थिएटर खुला नहीं है, अभी तक सरकार ने नहीं बताया है कब से थिएटर खुलने वाले हैं। अगर दोस्तों सही टाइम में सूर्यवंशी मूवी रिलीज होने से दो हफ्ता पहले, जो दिवाली से दो हफ्ता से तीन हफ्ता पहले अगर थिएटर खुलता है तो ही दोस्तों ये मूवी रिलीज करेगा, नहीं तो शायद दोस्तों इस टाइम पे भी मूवी को रिलीज नहीं करेगा। क्योंकि दोस्तों देखिए इस मूवी को प्रमोशन करना होगा, बहुत कुछ जरूरी है, जैसे इसका सेकेंड ट्रेलर आएगा, उसके बाद कितना सारा अच्छा अच्छा सुपर डुपर हिट गाना है इसमें वो भी आने वाले हैं, प्रमोशन अच्छी तरीके से करने वाले हैं। तो ये सब नहीं करेगा तो मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जितना एक्सपेक्टेशन कर रहा है उतना नहीं होगा। तो पहला जो सिनेरियो था नॉर्मल सिनेरियो में दोस्तों ये मूवी पहला दिन ही कम से कम 35 से 40 करोड़ कमाता, ठीक है। लेकिन दोस्तों अब ये मूवी उतना तो नहीं कमा पाएगा पहला दिन, लेकिन दोस्तों ठीक ठाक कलेक्शन करेगा, कम से कम 150 करोड़ तो कलेक्शन करना ही चाहिए। जो नॉर्मल सिनेरियो में दोस्तों ये मूवी 300 करोड़ कमाता, लेकिन आप तो 150 से 200 करोड़ कमाना ही कमाना है, क्योंकि दोस्तों इस मूवी का जो बजट है 180 छोड़ के 200 करोड़ हो चुका है। तो जितना ही दोस्तों ओटीटी में जाएगा ये होगा, वहां से यहां से पैसा उठाएगा, लेकिन थिएटर में अगर 200 करोड़ नहीं कमाता है तो ये मूवी सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर कैसे कहलाएगा। इसीलिए दोस्तों प्रमोशन अच्छी तरीके से करना है और सही तरीके से थिएटर खोलना है फुल 100% ऑक्युपेंसी के साथ, तो ही दोस्तों ये मूवी एक सक्सेस बनेगा। क्योंकि दोस्तों अक्षय कुमार का लाइफ का सबसे बड़ा मूवी है ये सूर्यवंशी। तो हम अक्षय कुमार का फैंस है, सूर्यवंशी चाहते हैं जो 300 करोड़ कमाए, 350 करोड़ कमाए, ऐसे चाहते हैं। लेकिन दोस्तों किस्मत लगता है खराब है, जो दिवाली का टाइम पे इस मूवी को आना नहीं चाहिए था, जो अभी तक सुनाई दे रहा है दिवाली पे आने वाले हैं। लेकिन मैं चाहता हूं, मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, ये और भी 2-3 महीना डिले करके बाद में रिलीज करना है तो ही दोस्तों मूवी का अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों क्या करेगा, जो मेकर्स ने क्या डिसीजन ले रहा है, अभी छोटा मूवी रिलीज करे तो सही है, लेकिन दोस्तों ये इतना बड़ा मूवी रिलीज करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। अभी तक थिएटर ही ओपन नहीं हुआ है हर जगह पे, जैसे केरला में अभी तक नहीं हुआ है, महाराष्ट्र में अभी तक नहीं हुआ है। अगर दोस्तों सही तरीके से प्रमोशन करता है इस मूवी से, सेकंड ट्रेलर आता है, सॉन्ग आता है, तो ही दोस्तों सही तरीके से सब कुछ होगा तो थोड़ा कलेक्शन तो होगा। लेकिन ऐसा भी नहीं होगा तो अचानक मूवी को रिलीज कर दिया जाएगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा मूवी रिलीज हुआ है या नहीं, तो उतना कलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो आपका क्या कहना है सूर्यवंशी मूवी को लेकर कमेंट में बताना दोस्तों। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, बाय।